Again, as we have covered already and have looked at the SPSS uh, file in SPSS uh, environment, how it looks like. We opened the file and we just, uh, you know, explored each and every uh, menu. Uh, what is hidden there? in for your ease and for your uh, kind of, uh, you know, learning point of view, I have added all the points that I have mentioned menu inside what a the file, hai, edit ka menu. Hai, जैसे व्यू का मेन्यू है डेटा का मेन्यू वी हैव डिस्कस इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको करके देखा भी है कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हिडन है लेकिन स्टिल आप इसको एज अंड आउट यूज़ करके देख सकते हैं और ये है जैसे ट्रांसफॉर्म का हमने किया एनालाइज का किया हुआ है ग्राफ्स यूटिलिटीज़ जो मैंने वहाँ डिस्कस नहीं किया यूटिलिटीज़ बेसिकली अलाउ यूटिलिस्ट फाइल इन्फॉर्मेशन विच इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स ये भी जब हम आगे करेंगे एनालिसिस तो मे बी वी विल गो एंड एक्सप्लेन इट मोर जोन uh, की मैंने बात कर दी थी जैसे हम एक्सटेंशन ऐड करते हैं तो वो आप उसमें जब भी स्पेसिस का नया पैकेज आता है तो उसके साथ नए एनालिसिस और नए फीचर्स आते हैं और समटाइम्स वो उसकी एक्सटेंशन दे देते हैं जिसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं और विंडोज़ कैन बी यूज़ टू सेलेक्ट विच विंडोज़ यू वॉन्ट टू जैसा आपका डेटा है एडिटर है आउटपुट विंडो है आप उसके मुताबिक उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर हेल्प का मेन्यू है आपका जो कि um, has many useful options including a link to the SPSS जहाँ पर अगर कोई आपका क्वेश्चन है आप स्टक हो गए हैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा तो फिर आप हेल्प पे जाके उसकी uh, SPSS एस के होम पेज पर जाके आप उसमें से फाइंड uh, आउट कर सकते हैं एंड देट कैन गाइड यू कि कहाँ पर प्रॉब्लम है डेटा व्यू के अंदर ही हमने बताया था कि डिफरेंट आइकन्स हैं जो कि शॉर्टकट्स हैं जो कि मेन्यूज़ के अंदर ही हैं लेकिन ये ज़्यादा फ्रिकुंटली यूज फीचर्स हैं इसलिए उन्होंने इसके आइकॉन्स बना दिए हैं और यहाँ पे भी आई हैव रिटन एवरी आइकॉन वॉट इट स्टैंडस फॉर एंड वाई वी हैव दैट देयर और उसमें क्या अनालसिस हैं जैसा कि ये है अ, दिस फाइल वाला जो है गिव्स यू ऑप्शन टू ओपन प्रीवियसली सेव्ड फाइल जहाँ पे आपने की होती है ये सेव का आइकॉन है आपका ये प्रिंट का है ये आपका है कि लास्ट एनालिसिस जो आपने रन किए हैं अ, लास्ट टेन एनालिसिस आप उसमें देख सकते हैं इसी तरह ये आपका आइकन है जो आपको इनेबल करता है कि किसी भी केस पे आप जा सकते हैं दिस बटन एक्चुअली अलाउज़ यू टू गो डायरेक्टली टू दैट वेरिएबल जहाँ पे आप जाना चाहते हैं क्योंकि समटाइम्स हमारी डेटा फाइल्स बहुत लंबी होती हैं फॉर इंस्टेंस जैसा पी एच डी के स्टूडेंट्स या फिर जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं मे बी आपका तो इतना नहीं लेकिन उनके टनस ऑफ वेरिएबल्स होते हैं और फिर उनमें थाउजेंड्स um, में डेटा पॉइंट्स होते हैं तो फिर uh, इतनी सारी फ़ाइल को नैविगेट करना सम हाउ uh, मुश्किल होता तो है तो दीज आर द वेरी हेल्पफुल वी हैव और ये भी हमने बात कर ली वी एस की भी कि ये बेसिकली आई कैन ओपन द डायलॉग बॉक्स दैट शोज़ यू द वेरिएबल इन डेटा एडिटर एंड समरी इंफॉर्मेशन कि उसमें uh, क्या वेरिएबल की सारी इंफॉर्मेशन कितने उसके अंदर केसेस हैं और कितनी उसके विद है और सारा कुछ और ये हमारा फाइंड का बटन होता है कि अगर हमने पर्टिकुलर वैल्यू समटाइम्स डेटा एंट्री में आप वन टू की बजाय आप ट्वेंटी टू या ट्वेंटी थ्री टू की बजाय दो दफ़ा बटन प्रेस हो जाता है इससे आप इजीली उसको फाइंड रिप्लेस कर सकते हैं फिर ये दिस आइकॉन बेसिकली न्यू केस एंटर करना कोई भी और फिर ये न्यू वेरिएबल एंटर करने के लिए है कि आपने uh, एक वेरिएबल ऐड करें या फिर आप एक केस ऐड करें दिस इज़ आ स्प्लेट फाइल फंक्शन जैसे मैंने आपको बात की थी कि इफ़ यू वॉन्ट अनालस इन टर्म्स ऑफ जेंडर मेल फ़ीमेल तो इट्स हेल्पफुल कि वो अलग से एनालिसिस करेगा ये वेट केसेस करेगा समटाइम्स हम उनके वेट्स कैलकुलेट करते हैं ये भी हम बात करेंगे व्हेन वी विल रन द एनालिसिस सो दिज आर वे मच वी हैव टॉकड अबाउट ऑल द आईकॉन्स बट दिस इज़ फॉर यू यू कैन सेव इट एंड यू कैन यू नो कंसल्टेड वेन एवर यू आर रनिंग द दानलिसिस इसी तरह हमने बात की थी स्ट्रिंग वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं एक प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रिंग को दोबारा नोमेरिक में करना जो है सम हाउ प्रॉब्लमेटिक होता है समटाइम्स वो डेटा सारा गायब हो जाता है सो देयर आर लिंक्स अवेलेबल यू कैन गूगल दैम हाउ टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग वेरिएबल इन टू अ नुमैरिक वन तो उसके लिए एक प्रोसीजर है जिसमें आप सारा उसमें सेंटेक्स बेसिकली एक लाइन की लिखी हुई है यू जस्ट सेलेक्ट दैट क्लिक इट एंड इट विल कन्वर्ट ईजीली एनी स्ट्रिंग वेरिएबल टू अ नुमैरिक वेरिएबल सो स्ट्रिंग वेरिएबल को हमने बात की कि वो उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है दोबारा से नुमैरिक में कन्वर्ट करना सम हो चुकी है बट आप अगर गूगल करें तो यू विल फाइंड अ वेरी सेंटेक्स कमान वन लाइन की होती है विच इज़ ईजी और उसके बाद आप उसको स्ट्रिंग को नुमैरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं बट वेरिएबल टाइप में हमने देखा कि उसमें डेट की ऑप्शन है टाइम की ऑप्शन है सो वट ऑफ फॉर्मेट और टाइप दैट वेरिएबल वुड हैव यू कैन सेलेक्ट हियर और इसमें भी हमने एग्जाम्पल्स के साथ आपके लिए नोट्स जो हैं वो सेव कर दिए हैं कि हाउ यू कैन यू नो यूज़ दम जैसा ये डेट वेरिएबल है क्रिएटिंग अ डेट एंड टाइम वेरिएबल उसकी कोडिंग कैसे करनी है फिर हमने कोडिंग और री की बात की थी और वैल्यूज़ की बात की थी असाइनिंग वैल्यूज़ टू द कैटेगोरिकल वेरिएबल Uh, जिसमें के जैसा हमने बात की थी कि अगर जेंडर है तो वन और टू हमने कैसे देना है सो यू नो दैट थिंग इसी तरह फर्स्ट का क्वेश्चन ये है कि आपका रैंक क्या है स्टूडेंट का एंड देर आर फोर लेवल्स लाइक फ्रेशमेंस ऑफो मोर जूनियर एंड सीनियर तो वी कैन से वन टू थ्री फोर और हम उसी वेरिएबल व्यू में जाके लेबल्स में जाके हम उसको वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़ में जाके उसके वन टू थ्री फोर के आगे हम असाइन कर सकते हैं कि ये उनके लेबल्स हैं सो so, अब uh, ये भी हमने सारी बात कर ली क्रिएटिंग नुमेरिकल वेरिएबल इज़ ऑलवेज़ ईजी क्योंकि वेरिएबल टाइप में बाई डिफॉल्ट जब आप टाइप करते हैं तो उसका वो नुमैरिक टाइप ही होती है विच इज़ ऑलवेज़ ईजी और हमारे मोस्टली वेरिएबल्स uh, जब हम क्वेश्चनर देते हैं तो हमारे नुमेरिक के ऊपर ही हम कलेक्ट करते हैं इवन जेंडर है जिसमें हमने नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा के ऊपर नंबर्स को असेस uh, करना है वो भी हमारा नुमेरिक टाइप वेरिएबल ही रहेगा और ये भी हमने अभी पिछले लेक्चर में करके देख लिया हुआ है कि हम उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं स्केल कैसे सेलेक्ट करते हैं कैसे हम बताते हैं कि ये नॉमिनल होगा ऑर्डिनल होगा ऑलवेज रिमेंबर के एस पी एस एस इज़ अ सॉफ्टवेयर इट्स अ स्मार्ट सिस्टम टू हेल्प यू यू नो नेविगेट थ्रू द डेटा एंड गेट अ स्मार्ट आंसर दिस इज़ यू हु गो नाट डिसाइड कि कौन सा एनालिसिस मैंने यूज़ करना है कौन सा बटन क्लिक करना है इवन इफ यू विल आस्क एस पी एस एस टू कैलकुलेट मीन फॉर द जेंडर इट विल कैलकुलेट बिकॉज आपने नंबर्स नहीं बताया उसको कि वन और टू का मतलब जो है वो कैटेगोरिकल है वन इज़ फॉर मेल टू इज़ फॉर फीमेल सो एस पी एस एस इज काइंड ऑफ एफिशियंट स्मार्ट बट स्टिल इट्स डम क्यों क्योंकि आप इसको जो भी कहेंगे इट विल डू इट सो इट्स यू हु आर स्मार्टर देन दिस एंड हुज टू टेल कम्प्यूटर कि ये नंबर्स का लेवल नॉमिनल होगा ये नंबर्स का लेवल ऑर्डिनल होगा और ये मेरे कंटिन्यूस वेरिएबल हैं स्केल वेरिएबल्स हैं और इनको तुम प्योर क्वांटिटेटिव नंबर्स की तरह से असेस करो असाइन करो सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल एक्सप्लोर हाउ वी यू नो मूव ऑन विद द नंबर एंड द डेटा डूइंग मैनुअली एंड एस पी एस एस एज वेल